सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो जो है काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है हमारे उन स्ट्रीमर्स के लिए जो चाहते हैं कि भाई हमारी वॉइस, हमारी टीममेट की वॉइस और हमारे गेम प्ले तीनों की जो वॉइस है वो हमारी स्ट्रीम पर जाए। तो आज का वीडियो इसी टॉपिक पर है कि भाई आपकी वॉइस, आपकी टीममेट और आपकी खुद की तीनों की वॉइस जो है आपकी स्ट्रीम पर जाएगी, और वो केवल होगा एक ही ऐप के थ्रू। आज आप लोगों को मैं एक ऐसी ऐप के बारे में बताने वाला हूँ जिससे ये तीनों चीज़ें जो है पॉसिबल है। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं करा होगा तो भाई वीडियो को लाइक कर दो, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दो इसी तरह इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए। इस ऐप के लिए आपको जो है तीन चीज़ें चाहिए, और वो है आपका डिवाइस जो कि काफ़ी अच्छा डिवाइस होने चाहिए आपके पास, और दूसरी है ये ऐप जिसको मैं अभी बताने वाला हूँ, और तीसरी चीज़ है वो जो मैं वीडियो के एंड पे बताऊँगा। तो चलिए मैं ऐप का नाम बताता हूँ। इस ऐप का नाम है ग्लिप ऐप, और इसका यूज़ अभी मैं आपको सिखाने वाला हूँ। तो चलिए चलते हैं हमारे मोबाइल के स्क्रीन पर। तो इस ऐप का इंटरफेस जो है कुछ ऐसा दिखाई देगा। देन यहाँ पर अपना गूगल अकाउंट इसको वेरीफाई आपको कर लेना है। गूगल अकाउंट से वेरीफाई करने के बाद आपको देखो नीचे पे जो है रिकॉर्डिंग का सेक्शन आपको नज़र आ गया है सेंटर पे। देखो मैं रेड मार्क भी कर रहा हूँ। तो रिकॉर्डिंग के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। देन आपके सामने कुछ ऐसा पेज जो है ओपन होकर आ जाएगा, और यहाँ पे आपको नीचे देख रहे हो लाइव स्ट्रीम लिखा है, उसको आपको लाइव स्ट्रीम पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लाइव स्ट्रीम पर क्लिक करते हो तो आपके सामने जो है एक नया पेज जो है खुलकर आ जाता है। तो हमेशा आपको यहाँ से जो है आपकी मेन सेटिंग जो है वो होती है स्टार्ट। आपको जो फिक्स टीममेट नॉट अवेलेबल टू हेयर यहाँ पे टैप कर देना है, इसको आपको परमिशन दे देना है। तो इसको गिव परमिशन देने के लिए यहाँ पर गिव परमिशन पर टैप करना, एंड गिलीप लिखा है वहाँ पे जो ऑफ लिखा है उसको आपको ऑन कर देना है। देन बैक आ जाना है आपको। यहाँ पर जो है आपकी मेन सेटिंग है, आपको नीले कलर पे देखो स्क्रीन गेम स्ट्रीमिंग लिखा है, वहाँ पर आपको हमेशा उस पे ही रहना चाहिए। देन यहाँ पर आप क्वालिटी देख सकते हो, आपके डेटा स्पीड के अकॉर्डिंग आपको जो है यहाँ पर कस्टम जो है सेलेक्ट कर सकते हो, हाई लो मीडियम सारा कुछ। मैं वाईफाई यूज़ करता हूँ तो मेरा हमेशा कस्टम पे रहता है। देन मैं आपको अपने हिसाब से इसको 1080p और 60fps और ये जो है 20 bitrate पे हमेशा सेट रखता हूँ। आप अपने नेट के अकॉर्डिंग इसको देख लेना। देन यहाँ से आपको बैक कर लेना है यहाँ कुछ हो जाने के बाद। और यहाँ पर देखो एक चीज़ और है जो कि है लैंडस्केप और पोर्ट्रेट मोड। आप अगर चाहते हो कि आपको शॉर्ट में लाइव स्ट्रीम करना है तो पोर्ट्रेट रखना, देन नहीं तो आप लॉन्ग पे करना चाहते हो तो लैंडस्केप रख देना। तो चलो यहाँ पे जो ऐड टाइटल लिखा है उस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक करने के बाद आपको देखो ऊपर यूट्यूब है और ट्विटर, फेसबुक, ये तीन चीज़ें हैं। तो आपको यूट्यूब पे लाइव स्ट्रीमिंग करना है तो आपको यूट्यूब को कनेक्ट कर लेना है अपने गूगल अकाउंट से, जिस अकाउंट से आप जो है स्ट्रीमिंग करना चाहते हो। कनेक्ट होने के बाद यहाँ पर आपको जो है कस्टम वीआरएल पेस्ट कर देना है। कस्टम वीआरएल आप क्रोम से ले लेना। कस्टम वीआरएल पेस्ट करने के बाद आपको ऐड लिंक पर क्लिक करके स्ट्रीम स्टार्ट पे जो है वहाँ पे क्लिक कर देना है। देन आपकी लाइव स्ट्रीम ऑन हो जाएगी। इससे पहले मैं जो लास्ट जो सेटिंग बताने वाला था और उस वो जो लास्ट सेटिंग और लास्ट चीज़ है वो है आपको एयरबड। एयरबड आप जानते होंगे दो प्रकार की एयरबड आती है, एक तो होती है जो कि छोटी सी एयरबड होती है जो सिर्फ कान पे ही लगते हैं, और दूसरे वो उस टाइप के एयरबड आते हैं जो कॉलर पे जैसे समझते हो ना लंबी वाली। हाँ, तो वो दोनों में से किसी एक भी चीज़ आपके पास होनी चाहिए, और हाँ वो गेमिंग वाली होनी चाहिए तभी ये आपके में प्रॉपर वर्क करेगी। नहीं तो अगर वो गेमिंग वाली एयरबड नहीं होगी तो आपकी जो साउंड है वो कम ज़्यादा अप डाउन ऊपर नीचे प्रॉपर आपको नहीं आएगी। जैसे आप गन फायर करोगे तो आपके जो है 5 सेकंड 10 सेकंड डिले ऐसी साउंड आएगी। तो आप एयरबड जब भी परचेज करने जाओ तो वहाँ पर आपको पूछ लेना है कि गेमिंग एयरबड है या नहीं। तो अगर गेमिंग एयरबड होगा तो आप उसे परचेज कर लेना, देन आपका काम हो जाएगा। देन वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा तो वीडियो को एक लाइक कर देना।